उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सेम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011-12-13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ही करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सेम पेद्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सेम पेद्रोदा की बात वही है जो पी चिदंबरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। सर, कर्नाटक मामले देखने में आए जिसमें मुस्लिम्स की कई सभी, ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की और धकेलने का एक कुचित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद, उसने उस समय भी इस प्रकार के कुचित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही तो सेम पित्रोदा ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद लगातार कांग्रेस पर सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर कहा कि जो सेम पित्रोदा ने बयान दिया कांग्रेस वही चाहती थी और यही वजह है कि ठीक समय पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, नहीं तो वो इस चीज को लागू भी